नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ। हम त्रिपाठी बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आज देश स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि वितरित की। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्ट टैबलेट का वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी युवाओं को संबोधित करते भी नजर आए। शासन की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी हमारे युवाओं को नहीं होती थी। हमने इस पूरी टैबलेट स्मार्टफोन में एक व्यवस्था दी है और वह व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई युवाओं से संबंधित स्कीम को इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो उसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ हमारा युवा ले सकता है। शासन की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी हमारे युवाओं को नहीं होती थी। हमने इस पूरी टैबलेट स्मार्टफोन में एक व्यवस्था दी है और वह व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई युवाओं से संबंधित स्कीम को इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो उसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ हमारा युवा ले सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दलितों को लेकर टिप्पणी पर जगतगुरु का बयान सामने आया है। जगतगुरु ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लोगों को जो समझना है समझे। वहीं जगतगुरु कहते नजर आए कि हमारे पंडाल में 5 लाख भक्त सम्मिलित होंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दलितों को लेकर टिप्पणी पर जगतगुरु का बयान सामने आया है। जगतगुरु ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लोगों को जो समझना है समझे। साथ ही जगतगुरु कहते नजर आए, हमारे पंडाल में 5 लाख भक्त सम्मिलित होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर जगतगुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर बवाल देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पंडाल में 5 लाख भक्त सम्मिलित होंगे। वहीं दलितों को लेकर अपनी टिप्पणी पर जगतगुरु का बयान सामने आया है। कर रहे होंगे, हम तो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं जी, हम तो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं और हमारा पंडाल सबसे सुंदरतम बना है जिसमें 5 लाख लोग बैठ सकते हैं जी। बहिष्कार करने से क्या होगा? राम जी का कोई बहिष्कार कर सकता है क्या? चारों भर चमार हैं, मैं कौन गलती कही, ब्राह्मण भी चमार हैं जी। चमार माने चाम का भक्त जी, वहां चमार जाति से तात्पर्य नहीं है, ठीक है जी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने। बीजेपी 15 जनवरी को बड़ा सम्मेलन करने वाली। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का यह भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाना। शुक्रिया मोदी भाईजान की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान शामिल रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में शाहनवाज हुसैन भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इस दौरान मौजूद रहेंगी।
प्रयागराज की शिवार्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति आरबी लाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एडीजे कोर्ट ने आरबी लाल की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय आलोक दुबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 2 जनवरी को भी जिला अदालत ने आरबी लाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि आरबी लाल पर धर्मांतरण और वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश की जरूरत है। आज देश का हर नागरिक परेशान है, ऐसे में उसे कांग्रेस से उम्मीद है कि वो उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का व्यापक असर देखने को मिलेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने, अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी तैयारियां देखी जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है। वहीं 14 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होने हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है। 14 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होने हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। अयोध्या की साज सजावट देखते ही बन रही है। वहीं दुल्हन की तरह इस दौरान अयोध्या को सजा दिया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है। 14 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होने। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास ने खास बातचीत के दौरान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होने वाले अनुष्ठानों की जानकारी दी। देखिए क्या कुछ रहा इस बातचीत में। खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है, फिर उसको उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे, परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, औषधिवास, ये है दुग्धाधिवास, जलाधिवास, ये सब प्रक्रिया होगी और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हो जाएंगी और ये सब होने के बाद में तब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब कार्य पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं वो बताएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों के 2 गुटों में आपस में भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट, खेलने के दौरान हुआ था विवाद। कानपुर देहात में कोहरे की वजह से एक साथ भिड़े 4 वाहन, हादसे में कई लोगों को आई मामूली चोटें, पुलिस ने की लोगों की मदद। मुजफ्फरनगर में गोद ली गई बच्ची, दर दर भटकने को मजबूर, माता पिता के देहांत के बाद मामा ने घर पर किया कब्जा, नाबालिग ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मैनपुरी में हो रहा ठंड का प्रकोप, शून्य विजिबिलिटी के चलते वाहनों की स्पीड हुई कम, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कानपुर में दबंगों ने युवक को घर से बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा, वसूली न देने पर किया जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने। उन्नाव में ओवरलोडिंग रोकने को नेशनल हाईवे पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे, बिना रॉयल्टी के निकलने वाले वाहनों का होगा स्वतः चालान। पीलीभीत में आपसी रंजिश को लेकर बदमाश युवक पीड़िता के परिवार को कर रहा परेशान, बदमाश ने पीड़िता के पति के खिलाफ दी झूठी तहरीर, पीड़िता ने एसपी को दिया शिकायती पत्र।
अलीगढ़ में पिता ने बेटों के खिलाफ हत्या की साजिश का लगाया आरोप, एसएसपी से लगाई मदद की गुहार, पैसों की खातिर हत्या की साजिश। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के धरने को महिला मोर्चा और किसान मजदूर यूनियन ने दिया समर्थन, खाद की बोरी में 5 किलो कम करने पर किसानों ने केंद्रीय रसायन मंत्री के नाम पर। हापुड़ में साइबर ठग पुलिस अफसरों को बना रहे निशाना, इंस्पेक्टर की फेसबुक आईडी को किया हैक, आईडी हैक करने के बाद मांग रहे थे पैसे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।